अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू छोटे को ढेर सारा प्यार बड़े को पैरी पाना जी। यार आज मैं आप लोगों से मिली हूँ शाम को 4:15 बजे, गुड इवनिंग इसीलिए मैंने आपको बोला। और अभी एक्चुअली यार टाइम मुझे लगा ही नहीं, सीरियसली मैं आपको बताती हूँ। हम से ड्रेसिंग टेबल पर बैठ के ब्लॉग बनाया जा रहा है, आज टाइम ही नहीं लगा, काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और आज एक्चुअली ना आरफ का हॉलीडे होमवर्क का पोथा सारा खोला मैंने कि अब मंडे को स्कूल जाना है 3 तारीख को, और हॉलीडे होमवर्क अभी हमने शुरू भी नहीं किया। एक्चुअली देखा तो बहुत टाइम से था कि क्या क्या है उसमें काम करने वाला, बट मुझे समझ में नहीं आता कि हॉलीडे होमवर्क में जो काम दिया जाता है वो बच्चों के लिए है कि उनके पेरेंट्स के लिए, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और एग्जाम्स 7 तारीख से इनके यूटी स्टार्ट है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब पूरे हॉलीडे होमवर्क में इनका जो भी सिलेबस का पार्ट है, जो भी एग्ज़ाम का पार्ट है, वो तो है ही नहीं, बिल्कुल आउट ऑफ द वे। और प्रोजेक्ट्स बनाओ, मॉडल्स बनाओ, पीपीटी क्या होता है, पीपीटी स्लाइड्स बनाओ, ये करो वो करो, एक टोकरी सी बनाओ उसमें सामान हैंड जो अभी आप हैंडमेड बना रहे हो वो इकट्ठा करो, A4 साइज शीट पे ये ड्राइंग वो ड्राइंग, A3 पे ये करो। कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि ये सब आउट ऑफ द वे था जो हमने करना था, मतलब बच्चों ने नहीं करना था। और मेरे पास इतना वेला टाइम है नहीं कि मैं बैठ के सारा करने बैठूं, तो जो ये कर लेगा वो ये जमा करा देगा, जो ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, वो जीरो लगेगा। तो ये अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो जाती है। बट कई घरों में मैंने देखा है कि पेरेंट्स मतलब मदर्स जो हैं वो बच्चों के हॉलीडे होमवर्क पूरा करती रहती है और बच्चे फ़ोनों में और गेम में लगे रहते हैं। तो ये आप लोगों की कंसर्न है, ये हमारी कंसर्न नहीं है। तो चलिए अभी टाइम है खाने का, मैंने खाना खाया दोपहर का, हाँ खा लिया। और ब्रूनो का खाना बनाना भी रहता है, वो सोया हुआ है कुर्सी के नीचे और बनाते हैं उसका खाना, वरना बच्चे आ जाएंगे। देखिए गाइस कितने आराम से कुर्सी के नीचे घुस के सोया हुआ, और इसके टॉयज हमेशा इसके आसपास ही रहते हैं, इसकी रस्सियाँ और इसका ये जो खेलने वाला है, और ये आराम से धोते हुए सोया पड़ा है। बर्तन करके गई है तो पहले मैं थोड़ी रसोई समेट लूँ, रसोई समेटने के बाद स्लैब पे जगह बनेगी रोटी बनाने के लिए, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। बस ये बर्तनों का टोकरा और ये थोड़े से बर्तन और सॉस की पाउच पड़ी है, तो ये हटा दूँ क्योंकि स्लैब पे जगह कम होती है, तो ये हटा के फिर रोटी बनती है। फाइनली ब्रूनो को खाना खिला दिया और मैंने अभी अपनी कुर्सी लगाई है बैठने के लिए, बच्चे आने वाले होंगे, अभी बजेगी बेल्टिंग टाउन। और रात को पता समझ में नहीं आ रहा कि आज बनाना क्या है, तो मैंने मिक्स वाली दाल तो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने क्या किया, जितनी दालें घर पड़ी थी, काली वाली, पीली वाली, मूंगी मसर, हरी छिलके वाली, हरी वाली साबुत, ऑरेंज वाली, येलो वाली, जो भी दालें होती हैं सारी दालें मैंने मिक्स करके एक कटोरी भिगा के रख दी है, तो रात को तो ये दाल बन जाएगी। और दही निकाली मैंने फ्रिज में से तो दही हो गई थी खट्टी। अब मैं ये कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि कड़ी बनाऊँ, खट्टी है दही बहुत ज़्यादा वाली, या मैं दाल बनाऊँ। तो चलिए देखते हैं शाम को क्या ट्विस्ट एंड टर्न होता है, डिपेंड, क्योंकि गर्मी बहुत है, कड़ी को बहुत टाइम लग जाएगा। तो चलिए अभी मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और बच्चों का आने का टाइम हो रहा है तो फिर बैठेंगे बच्चों को पढ़ाने। और आज ब्लॉग एक्चुअल में बहुत लेट स्टार्ट हुआ, तो अच्छा आज आपको भूसी शक्ल भी नहीं देखने को मिली, ये देखिए ब्रूनो जल्दी से। ऐसे मैं यहाँ आकर बैठी हूँ, ये ब्रूनी महाराज हमारे पास आके सीधा पैरों पर चढ़ के बैठता है, आप देख रहे हो इसको, तो ये प्यार बहुत करता है हम लोगों से, है ना बुनो ओटी विनीश, अरे बुनी बुनी बुनी। गाइस पढ़ा कर हम हो गए फ्री और टाइम 7:30 आ गए है, 7:30 हो रहा है और अभी पेट पूजा का टाइम है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज पड़े हैं घर पे बहुत टाइम से, फ्रोज़न है तो जल्दी ख़राब नहीं होता, तो अभी बाहर से कुछ नहीं ला रहे हम, बिल्कुल नहीं ला रहे क्योंकि बाहर का हम बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। तो अभी मैं ये पेरी पेरी फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रही हूँ, और इसके साथ ना इसका एक मसाला होता है बहुत ही टेस्टी, और घर में शायद चटनी पड़ी होगी जो घर की बनाई है होममेड वाली, तो वो साथ में, और ये पेरी पेरी के अपने फ्रेंच फ्राइज तो बनाते हैं और खाते हैं। आइए गाइज ये देखिए फ्रेंच फ्राइज हम फ्राई कर रहे हैं, हम फ्रेंच वाले फ्राइज को फ्राई कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊं ये वाले पैकेट निकले हैं मसाले के, हर बार 3 होते हैं बट आई डोंट नो कि इस बार 4 पैकेट निकले हैं, देखो। तो अब ये पैकेट जो निकले मसाले की, ये मसाला जब हम डालेंगे उस पर तो पता चलेगा कितना तीखा होता है। तो फटाफट बना लेते हैं एक बड़ी सी प्लेट भर कर सारे फ्रेंच फ्राइज। ये फ्राइज़ मैंने तल दिए हैं और इसमें मैंने अभी एक ही पैकेट मसाले का डाला, और ये इतना मसाला एक पैकेट से निकला तो एक ही काफ़ी होगा, 2 तो बिल्कुल नहीं। और चूल्हे के देखो चारों तरफ आप तेल के छींटे देख रहे हो आप, ये खाने के बाद ना मुझे अभी सारा चूल्हा साफ़ करना पड़ेगा, इतनी बुरी तरह से छींटे हो गई हैं, इवन की जो मिक्सी पड़ी है ना मिक्सी पर भी पूरा तेल के छींटे हैं, यहाँ पर भी, और देखो ज़रा। तो ये सब मैं अभी फ्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद साफ़ करूँगी, फिर किचन में काम करूँगी। फ्रेंच फ्राइज़ आने के बाद ब्रूनो को लगा वो खा सकता है, बट भाग गया मसाले की स्मेल से, वो भागा। आजा आजा खा ले ब्रूनो, कोई नहीं है बाहर, कहाँ चला गया ब्रूनो। अच्छा बच्चों की आवाज आ रही है इसको, ब्रूनो आंखें भी कैसे चमक रही हैं, ब्रूनो देख बॉल, आजा 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 ब्रूनो, बॉल बॉल आजा। गाइस अभी 10:15 हो रहे हैं और रात के लिए आज मैंने बनाया है
सिर्फ अंडे की भुर्जी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें ना पड़ी हुई हैं, मतलब थोड़े से आलू न्यूट्रस मटर पड़े हैं, थोड़ी सी चांपे पड़ी हैं, थोड़ी सी लोबिया पड़े हैं, थोड़ा सा पनीर पड़ा है, तो ये तीन चार चीजों में थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा है तो फिर और बना के रख दो। तो इसलिए अंडे की भुर्जी साथ में बना ली है, तो जो ये थोड़ा थोड़ा डिब्बे में पड़ा है इसको खा के खत्म किया जाएगा। और आटा मैंने ज्यादा गूंद लिया ताकि सुबह के लिए मुझे दिक्कत ना हो। और ये देखिए भुर्जी जो मैंने बनाई है, ये देखिए गाइस अंडे की भुर्जी यहाँ पर बनाई है। और आपको पता है अंडे की भुर्जी कितना मुश्किल काम है, सिर्फ प्याज डालती हूँ मैं, टमाटर बिल्कुल नहीं डालती, प्याज नमक मिर्च हल्दी और अंडे और बन गई भुर्जी। यहाँ पर दूध को उबाला आ रहा है। इधर देखिए सुबह के लिए हमने आटा भी गूंद कर रख दिया थोड़ा सा दूध डालकर। बच्चों के लिए रोटी बन रही है और ब्रूनो को बनाने के बाद, ब्रूनो को नहीं बनाना, ब्रूनो के लिए रोटी बनाने के बाद उसे खिलाई जाएगी। और ये मेरा अंग्रेज एक्सरसाइज करके आ गया, अब ये घर पे एक्सरसाइज करता है डेढ़ घंटा ना पूरा, डेढ़ घंटा पूरा लग के इतनी गर्मी में भी एक्सरसाइज करता है, हैट्स ऑफ है। इसे कहते हैं किसी चीज के पीछे पैशनेटली पड़ जाना। गाइस सबका डिनर हो गया, बस मेरे हस्बैंड रह गए क्योंकि वो आए थोड़ा लेट हैं, तो आराम से खाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे और सुबह का सुबह देखेंगे क्या करना है। दाल तो मैंने उबाल ली, अब तड़का सुबह लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, और खाना वाना हो गया, ब्रूनो को भाग भाग के खिला दिया और अब टाइम है बिग बॉस। बिग बॉस तो चलिए अब हम जाते हैं बिग बॉस देखने। मिलेंगे आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बॉल पे सेट कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।